हेलो ऑल ऑफ यू, सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रेटेजी हम लोग करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे शुरुआत के 15 मिनट्स जो कि हमको रीडिंग टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर वन अकाउंट्स में हमारा कंपलसरी रहता है और बचे हुए पांच क्वेश्चन में हमको चार क्वेश्चन करना रहता है। तो आपको ये 15 मिनट्स में जो बचे हुए पांच क्वेश्चन है जिसमें से हमको चार करना होता है, इसमें से आपको ये देखना है कि हमको एलिमिनेट किसको करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको उसमें पांच में से चार करना, एक क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ये 15 मिनट्स में आप ये देखो कि ये डिसाइड आपको करना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करने वाला हूं। तो ये 15 मिनट्स आप वो देखो। उसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि सर क्वेश्चन नंबर वन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा रीड नहीं करना उस 15 मिनट्स। आई टेल यू व्हाई, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हमको करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है जिसमें हमारे ऑप्शन है वो पांच में से चार करना है, तो ये मत देखो कि कौन से चार करना, आप ये देखो कौन से एलिमिनेट करना है। तो बराबर ऑटोमेटिक कोई चार आ जाएंगे जो आपको करना रहेगा। तो जो आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं जमेगा, और पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना, पूरे एडजस्टमेंट क्वेश्चन के रीड करने की कोशिश मत करना, आप ऊपर ऊपर देखना, आपको एक आइडिया होंगे कि इस क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, शायद ये मुझसे ना हो पाएगा, तो उस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करना है। और इस 15 मिनट्स में आपको रैंकिंग देना है आपके जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन रैंकिंग किस तरह, बेस्ट टू वर्स्ट। व्हाट डज इट मीन बेस्ट टू वर्स्ट? आप ये देखो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन उसमें अच्छे से कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। और ये जरूरी नहीं होता कि एग्जामिनेशन हॉल में आप सीक्वेंस में ही पेपर करो, आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है तो आपने 15 मिनट्स में ये डिसाइड करके कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना उसको हटा दिए, क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है, बचे हुए पांच में से कौन से चार करना डिसाइड हो गए। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट है, जो सबसे अच्छे आता है, और बेस्ट टू वर्स्ट हमको जाना है, मतलब जो सबसे अच्छा आता है उसको रैंक वन दो, उसके बाद रैंक टू रैंक थ्री, इस तरीके से आपको रैंकिंग देना। और जब आप पेपर शुरू करोगे तो इसी रैंक में करना जो सबसे अच्छा, आप सोचो वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपको पेपर चेक करोगे तो सबसे अच्छा आपने क्वेश्चन पहले करो, एकदम अच्छे तरीके से करो, तो उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं यार स्टूडेंट होशियार है, अच्छे से इसने करा है, तो आपके मार्क्स स्कोर करने में भी आसानी होती है, ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो। और उसके बाद आपने रैंकिंग दी, और ये कोशिश करना शुरुआत के वन आवर में आपने ये कोशिश करना कि आप 40 मार्क्स का पेपर कर लो। क्यों? क्योंकि जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता है आप उससे पेपर को शुरू कर रहे हो, उस क्वेश्चन से आप पेपर को शुरू कर रहे हो, और 40 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 मार्क्स का पेपर ये टारगेट करें कि फर्स्ट आवर में कर लो, कि बेस्ट वाला क्वेश्चन करो, आपको अच्छे से आता, आपकी स्पीड अच्छी होना चाहिए, और बचे हुए 2 आवर्स में 30-30 मार्क्स का टारगेट रखो, और बाद में आपके 10 मिनट आपके तो इनफैक्ट बचना भी चाहिए। तो जैसे ही 40 मार्क्स आपने पेपर 1 आवर में अराउंड कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है, भाई हो गया भाई अपन पास तो हो जाएंगे। अब उसके बाद अपने को देखना, अपने को एग्जामिनेशन या स्कोर करना 80+90+ अकाउंट का टारगेट है। उसके बाद फिर आप उस मार्क्स जो स्कोर करने की कोशिश करते हो, तो आप फर्स्ट आवर में देखो कोशिश करो 40 मार्क्स का पेपर हो, उसके बाद आपने फिर वहां पे देखिए 30-30 मार्क्स का सेकंड आर में और थर्ड आर में क्वेश्चन, उसके बाद भी आखिरी में कुछ समय 10-1 मिनट आपके पास बचना चाहिए। तो आपने बेस्ट से शुरू करें और उस रैंकिंग में आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें। लेकिन ऐसा हो जाए अगर कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, मैंने अकाउंट्स में नहीं देखा कि फाउंडेशन लेवल पे ऐसा कोई भी पेपर स्टूडेंट कितना भी डिफिकल्ट सेट कर ले, वो मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट, और स्टूडेंट्स को भी नहीं लगना चाहिए कि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं। लेकिन कभी कोई पेपर ऐसा हो गया, फिर अकाउंट्स हो या कोई और पेपर आपके साथ हो गया ऐसा एग्जामिनेशन में, कि आपको लगता नहीं है पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, हो सकता है कि चार पेपर में से कोई एक पेपर ऐसा बहुत डिफिकल्ट आया, तो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो आपने वहां पे पैनिक नहीं करना। आपने एग्जामिनेशन हॉल में ये देखना कि यार पेपर तो डिफिकल्ट आ गया, 15 मिनट्स आपके पास, आपने देखिए पेपर तो डिफिकल्ट आ गया, डोंट गेट पैनिक। आपने उस आपकी स्ट्रेटेजी होना कि यार इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं कर लूंगा, वो क्वेश्चन आपने देखे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको आपने पहले करेंगे जो आपको लगता है कि क्वेश्चन मैं कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाले पे गए, और आपने अगर अपना 40-50 मार्क्स का पेपर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक वहां पे बूस्ट हो जाता है। हो सकता है शायद फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो तो वो आपसे आसानी से हो जाए। कब ये? जो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अकाउंट्स से ऐसा नहीं होता कि बहुत ही डिफिकल्ट, कुछ कितना भी डिफिकल्ट करे आप लोग कर ही लोगे। लेकिन आपने रैंकिंग जरूर देना, बेस्ट से वर्स्ट पे, सबसे जो अच्छा आता है उसको सबसे पहले करना, और आप 15 मिनट्स में चीज ख्याल रखना, आपको एलिमिनेट किसको करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है वो फोकस करना है, जो नहीं करना उसको हटा दो, ऑटोमेटिक बचे हुए फिर अपने को करना है, फिर उसमें रैंकिंग दे, रैंक 1-2-3 सबसे अच्छा कौन, उस तरीके से आपको करना रहेगा। अपने आप पर भरोसा रखना,
बहुत 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 मेहनत किया आपने और अब असली आपका वक्त आया कि आपको परफॉर्मेंस का वक्त है। आपने जितनी मेहनत करे अब उसको इंप्लीमेंट करना है अपने को एग्जामिनेशन हॉल में, उसको अपने को कन्वर्ट करना है अच्छे मार्क्स में। सो पैनिक नहीं करना, नर्वस होता है इंसान, ये बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस रखना और बिल्कुल कूल माइंड से जाना, एकदम वहां पे कूल माइंड आई मीन टू से कि ज्यादा बहुत ज्यादा किसी से डिस्कशन भी नहीं करना, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करना किसी से, सिर्फ फोकस अभी रहना और रिलैक्स रहना। और दूसरी चीज, एग्जामिनेशन के बाद जैसे ही पेपर होता है, प्लीज 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 क्वेश्चन पेपर किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी से डिस्कस नहीं करना, उस क्वेश्चन पेपर को अपने बैग में रखना और भूल जाना कैसा भी पेपर गया आपका, जैसा भी पेपर गया भूल जाना उस क्वेश्चन पेपर को, आपने अपने बैग में रखना और नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर देना। कई बार ऐसा होता है कि पेपर डिफिकल्ट आए, बच्चों का पेपर शायद, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं गया, तो भी मार्क्स अच्छे आ जाते, तो भी मार्क्स अच्छे आते, इंस्टीट्यूट को पता रहता है कि पेपर डिफिकल्ट था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे से पेपर करके आते लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, हो सकता है चेकिंग उसमें टफ हो। तो सो जैसे ही पेपर था, प्लीज एग्जामिनेशन के बाद किसी से डिस्कस नहीं करना और सीधा आना, उसको बैग में रखना और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे अपने आप पे बस भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम हॉल में जाना, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।